दुनिया जहां। ये आवाज है अमेजन के जंगल में लकड़ी काट रहे उस शख्स की, जिसे दुनिया का सबसे अकेला आदमी बताया जा रहा है। पिछले महीने जब ब्राजील की सरकारी एजेंसी फुनाई ने इस आदमी का वीडियो जारी किया था, तो दुनिया का ध्यान एक बार फिर उस दुनिया की तरफ चला गया जो आज भी आदिम तौर तरीकों से रहती है। ऐसे कबीले जो आपकी हमारी आधुनिक दुनिया से परिचित नहीं है। उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले हमारे आदिम पुरखों का था। ये ऐसी जनजातियां हैं जिनसे हम आधुनिक दुनिया के इंसानों ने संपर्क नहीं किया है। ये हैं अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, और इन ट्राइब्स में से अधिकतर ब्राजील से सटे अमेजन के वर्षावन में रहती हैं। ब्राजील में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि इन जनजातियों पर नजर रखी जाती है, मगर दूर से। ब्राजील की एक एजेंसी है सरकार की, उसका नाम है फुनाई। उसका ये काम है कि यहाँ पे जो ऐसी जनजातियां जो अमेजन के जंगल में रहती हैं और उनको ट्रैक करती रहती हैं। तो उनका अनुमान है कि यहाँ करीब 113 के करीब ऐसी जनजातियां हैं जिनसे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ है, और इन 113 में से 27 कंफर्म हो चुकी हैं कि ये जनजातियां एग्जिस्ट करती हैं, इसके लोग वहां पे रहते हैं। तो ये फुनाई एजेंसी का काम है कि वो हमेशा लगातार इनकी ट्रैकिंग करते रहते हैं। उनके तरह तरह के उनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके लोग हैं, वो जंगल में जाते हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि हमेशा दूर से एक डिस्टेंस से उनको ट्रैक करें, उनके साथ कॉन्टेक्ट में ना आए, लेकिन इस बात को जाने कि उनको किस तरह का जीवन वो रह रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, और वो इस तरह का काम करते रहते हैं। 70 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल दायरे में फैले अमेजन के वर्षावन ब्राजील समेत 9 देशों की सीमाओं में फैले हुए हैं। लगभग एक दशक पहले इन जंगलों से रिपोर्टिंग कर चुके बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी बताते हैं, अमेजन के वर्षावनों में एक अलग ही दुनिया बसती है। 4 दिन और 4 रात हम एक नाव में थे। रात में भी सफर करते थे और दिन में भी सफर करते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, और बीच बीच में अचानक बादल उमड़ घुमड़ के आते थे, जबरदस्त बारिश होती थी, और फिर थोड़ी ही देर बाद एकदम साफ हो जाता था, यानी धूप निकल आती थी। और वहाँ जो जैव विविधता है, जिसको हमने कुछ देखा भी, और जैव विविधता सिर्फ प्राणी यानी जो जंगली जानवर हैं उनमें ही नहीं, इंसान जो वहाँ रहते हैं उसमें इतनी विविधता है कि अभी तक बहुत सारे शायद ट्राइब्स का पता ही नहीं है। अमेजन के जंगलों में रहने वाली इन आदिम जनजातियों के बारे में अगर पता चल भी जाए तो उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की जाती, एक दूरी बनाकर ही उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों उनसे संपर्क इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे और आपके अंदर तो कई सारी बीमारियों के लिए टीकाकरण के कारण प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, मगर ये लोग आसानी से उन बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि इसी कारण अमेजन की ऐसी कई आदिम जनजातियां विलुप्त हो गई थीं। पुर्तगीज लोग यहाँ पे 15वीं शताब्दी में ब्राजील में आए या साउथ अमेरिका में आए, पुर्तगीज और स्पेनिश, जब ये जनजातियों से संपर्क में आई तो वो काफी बीमारियों से काफी हद तक खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे काफी बीमारियां जो यूरोप में थी, जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, कॉलरा वगैरह यहाँ पे नहीं था, तो उसकी वजह से वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ की जनजातियां खत्म हो गई। इस तरह की आदिम जनजातियां भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में भी हैं, सेंटिनली और जारवा, लेकिन अब बाहरी दुनिया यानी हमारी दुनिया के लोगों के साथ उनका संपर्क बढ़ गया है। उन्होंने हमारे तौर तरीके अपनाना भी शुरू कर दिया है। जारवा लोगों की जीवन शैली को करीब से देख चुके और उनकी भाषा में शोध कर चुके इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार बताते हैं कि जीवन शैली में बदलाव लाना इन जनजातियों के लिए बेहद खतरनाक है। एक तो है कि अगर ये अपने तरीके से रहेंगे तो वो जैसे रह रहे हैं तो वो रह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में आने से इनको डिजीज का प्रॉब्लम होगा पहला। दूसरा है कि इनकी जो रहन सहन है, खान पान है, वो जो हम लोग की दुनिया है उससे अलग है। खान पान बदलेगा तो रहन सहन बदलने से भी, परवेश बदलने से बीमारियां फैलती है। मैं देखा हूँ कि जब वो शुरू शुरू कॉन्टेक्ट में आए थे तो जो कपड़ा पहनते थे उससे उनको स्किन डिजीज होना शुरू हो गया, चर्म इचिंग का प्रॉब्लम। लेकिन अंडमान हो या अमेजन,
जहां भी ये जनजातियां रह रही हैं, उनके लिए खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये है जमीन और संसाधनों के लालच के लिए जंगलों का सफाया। वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि अमेजन के जंगलों में रह रही आदिम जनजातियां किसानों, पशुपालकों और कॉरपोरेट्स के लालच की भेंट चढ़ रही हैं। कि यहाँ पे ब्राजील में या पेरू में या बोलीविया में जंगलों को साफ किया गया है। यहाँ पे रेंचर्स होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास हजारों हेक्टेयर की जमीन होती है, और उन्हें जंगल काट के और जमीन पे कब्जा करने के लिए और खेती करने के लिए जंगलों को काटा है। उस जंगल को जब उन्होंने काटना शुरू किया तो उनका इन जनजातियों से सीधा सीधा संघर्ष हो गया और एक बड़ी संख्या में उनका नरसंहार हुआ 70 और 80 के दशकों में। फॉरेस्ट जो है, जंगल यहाँ के काटे गए हैं, उसके पीछे बड़े बड़े कॉरपोरेशन का हाथ है। जो डैम्स बनाए गए हैं ब्राजील में, क्योंकि ब्राजील में बहुत बड़ी नदियां हैं, उनमें एक बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, उसकी वजह से भी इन लोगों को काफी वहां से एक्सपेल किया गया है। काफी उनको अपने जो जंगल है, अपने पानी भर गया है, कभी कभी उनको अपने स्थान छोड़ के जाना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ना हम इन आदिम तौर तरीकों से रह रहे लोगों को मुख्य धारा में ले आएं, यानी अपनी और आपकी इस दुनिया में जिसे हम सभ्य मानते हैं। आखिर क्यों इंसानों की एक अच्छी खासी आबादी को जंगलों में ही संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या हम उन्हें अपने जैसा बनाकर उनका भला नहीं करेंगे? प्रोफेसर प्रमोद कुमार कहते हैं कि इसके बारे में सोचना भी खतरनाक है, क्योंकि अगर आप अचानक लाइएगा तो अचानक लाने का वही है कि फिर डिजास्टर होगा उनके लिए। हम भी जानते हैं कि हमारे भी पूर्वज जब हजारों साल पहले वो भी जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वहां से हमको इस स्टेज में आने में कई हजार साल लगे। सिविलाइजेशन और सिविलाइज सोसाइटी का जो मतलब है, आइडियोलॉजिकली ये कॉलोनियल प्रॉब्लम है जहाँ ये शुरू हुआ था कि कॉलोनाइजर्स और यूरोपियंस आर मोर सिविलाइज देन द कॉलोनाइज पीपल। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट सिविलाइज और बारबेरियन और अनसिविलाइज का आया था। इनकी भी आप इनका देख लीजिए तो दे आर मोर सिविलाइज देन अस। उनकी कम्युनिटी है, अगर एक मतलब एक ग्रुप में 20 लोग 50 लोग हैं, उसमें एक आदमी अगर वाइल्ड बोर हंट करके आता है तो वो जो पूरे 20 लोग हैं उस ग्रुप में, सारे उस वाइल्ड बोर को शेयर करते हैं खाना खाने में। हमारी सोसाइटी में तो है नहीं, तो वो सिविलाइज नहीं है, हम सिविलाइज हैं, हम तो झगड़ा कर लें पड़ोसी से खाना खाने के लिए। जानकार मानते हैं कि इन अनकॉन्टेक्टेड या लॉस्ट ट्राइब्स को वैसे ही रहने दिया जाए जैसे ये हैं। वैसे भी जब बाहरी दुनिया के लोग इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो तीर और भालों से हमला करके प्रतिरोध करते हैं। वो बाहरी लोगों के प्रति आशंकित रहते हैं, और ठीक तो है, उनकी अपनी दुनिया है जहां वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। उनकी ज़रूरतें प्रकृति पूरा कर देती है, और हम अगर अपनी दुनिया की तुलना उनकी दुनिया से करें तो किसकी बेहतर है। इसलिए ठीक यही होगा कि अगर हम उनसे कुछ ना सीख पाएं तो कम से कम उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें।